पंजीशील टॉकी जवळील गुलशन टॉवर सह येथील बँक कर्मचारी आणि नागरिक नव्या बांधकामाने त्रस्त झाल्याचे दिसून येत आहेत. एका मोठ्या व्यापाऱ्याने येथील जागा विकत घेऊन बांधकामाला सुरुवात केल्याने रस्त्यावरच दोरी बांधून नागरिकांचे येणे जाणे बंद झाले आहे. त्यामुळे पार्किंगमधील वाहने आता रस्त्यावर उभी होत असल्याने अनेक व्यापाऱ्याने आपला संताप व्यक्त केला आहे. शहरात एकाच ठिकाणी मोठा मॉल आणि अनेक बँकांसह नागरिकांची वसाहत असली की शेकडो वाहनांचा पार्किंग विषय अतिमहत्वाचा असतो. मात्र समजा येथील पार्किंगच बंद केली तर अशा परिसरात कशी विदारक परिस्थिती निर्माण होईल अशीच वेळ पंचशील टॉकीज जवळील परिसरात निर्माण झाली आहे. येथील जागा एका मोठ्या व्यावसायिकाने विकत घेऊन बांधकामाला सुरुवात केली. मात्र बांधकाम दुसऱ्या बाजूने असताना व्यावसायिकाने पंचशील टॉकीजकडील रस्ताच बंद केला. अशाने येथील पार्किंगची जागा बंद करण्यात आली. याचाच परिणाम गुलशन टॉवरमधील अनेक व्यावसायिकांसह ग्राहकांच्या दुचाकी चारचाकी वाहने रस्त्यावरच पार्किंग होत असल्याने जाण्या येण्यास मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. याच परिसरात अनेक राष्ट्रीयकृत बँकांसह खासगी दवाखाने यांच्यासह नागरिकांची वसाहत असल्याने वाहने आता कुठे पार्क करावे हा गंभीर प्रश्न सर्वांसमोर उभा झाला आहे. मैं दानिश दोराजी वाला, यहाँ गुलशन टावर में ही मेरा शॉप है. पार्किंग की इशू है, पार्किंग यहाँ की बंद करके रखी है जबकि यहाँ कुछ काम भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं है, उसके बाद भी यहाँ पार्किंग बंद पड़ी है. ये रोड पे यहाँ टू व्हीलर फोर व्हीलर सारी चीज़ों की पार्किंग की तकलीफ है, इसीलिए जल्द से जल्द इसको चालू करवाए. मैं राजेश मित्तल, मैं यहाँ पे मेरा यहाँ पे पूरा मेरा यहाँ पे बिल्डिंग है ये, और यहाँ पे हमको इतनी तकलीफ हो रही है पार्किंग की. ये एक्चुअली ये कोई उनका प्राइवेट रास्ता नहीं है, जिनका भी बांधकाम चालू है उनका बांधकाम यहाँ पे नहीं शुरू है, जस्टम चौक की तरफ शुरू है, और सिर्फ कर्मचारियों को रहने के लिए यहाँ पे व्यवस्था की है, और यहाँ से उनका सामान भेजा जा रहा है जिससे कि पूरे मोहल्ले वालों को तकलीफ हो रही है. यहाँ से पूरी यहाँ पे एक तो वन वे रास्ता है ये, और यहाँ पे इतनी सारी बैंका है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, इतना बड़ा मार्केट है, कम से कम 1000 दुकानें हैं यहाँ पे, तो पार्किंग को बंद करने का क्या राइट है उनको? इस तरह से उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, या तो ये पार्किंग हटाई यानी ये बंद जो है ये हटना चाहिए. और यहाँ पे इतनी तकलीफ हो रही है लोगों को कि यानी हमारे घर के ऑफिस के सामने लोग पार्क कर रहे हैं गाड़ियाँ, और हमको बहुत तकलीफ हो रही है, हमको हरासमेंट हो रहा है इनके वजह से बहुत ज़्यादा. तो यह सब चीज़ें जल्द से जल्द बंद होनी चाहिए. मेरा नाम प्रतीक आड़त्या, और मेरा यहाँ पे शॉप है महिंद्र साइकिल हब करके गुलशन टावर में. हमको कुछ दिनों से इतनी प्रॉब्लम जा रही है यहाँ पे, ना पार्किंग की जगह हो रही है और ना ही कुछ, इन्होंने पूरा रोड ब्लॉक करके रखा हुआ है. काम लगे तो उनका चालू है पीछे, लेकिन यहाँ पे पूरा रोड ब्लॉक करके उन्होंने अपने जो लेबर्स है उनको रुकने के लिए यहाँ पे जगह दिया है. लोगों को पार्किंग के लिए जगह नहीं है यहाँ पे. ऐसा हो रहा है कि फिर किसी को कुछ बोलने के बाद में फिर कैसा सर, यहाँ पे झगड़े भी बहुत सारे हो रहे हैं पार्किंग के वजह से, बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं. हम लोग ने एक दो बार कंप्लेंट भी किया है लेकिन इसके ऊपर कोई सुनवाई हुई नहीं है अभी तक. तो हमारी यही आपसे उम्मीद है कि भाई इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और ये सारे चीज़ें क्लियर आउट हो जाए. गुलशन टावर के अंदर ये अपना शॉप है. हम लोगों को दिक्कत ये हो जा रही है कि यहाँ पर रास्ते पर आप श्री राम सेल्स कॉरपोरेशन के नाम से अगर आप देख सकते हो तो टू व्हीलर हमारे यहाँ पे बीच रास्ते में लगी हुई है. यहाँ पे दूर दूर तक कहीं पे पार्किंग के लिए प्रॉब्लम हो रही है. वहाँ पे भी सारी जगह पे इन लोगों ने रास्ता रोक के रखा हुआ है, तो सारी टू व्हीलर्स पार्किंग यहाँ पे रास्ते में आ रही है. ना कार पार्क हो पा रही है, ना टू व्हीलर्स पार्क हो पा रही है. बांधकाम असताना मनमानीने रस्त्यावरच आडवी दोरी बांधल्याने अनेकांना मोठी अडचण निर्माण झाली, तर घाणीचे साम्राज्य ही दुसरी समस्यासह मद्यपीचा दररोज येथील रहिवाशांना त्रास होत आहे. जुन्या सांडपाणी नालीतील घाण ओव्हरफ्लो होत असल्याने रस्त्यावर कचरा साचला जात आहे. बाहेरील मद्यपी या ठिकाणी दारूच्या बॉटल आणून तेथे पार्टी करीत असल्याने महिलांना रात्रीच्या वेळी एजा करणे अवघडच झाले आहे. पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट करेंगे, आप किसी दिन रात को यहाँ चक्कर मारो, यहाँ देखो आकर आप बैठोगे. यहाँ पे लेडीज कस्टमर हमारी रात को आने को डरती है क्योंकि लड़के ग्रुप बना बना के यहाँ बैठे हैं दारू पीने के लिए. मैं पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार रात को आए, देखे, यहाँ दारू पी रहे हैं, बैठे हैं, ग्लासेस फेंक रहे हैं, गाली गलौच होती है. हमारे यहाँ भी कस्टमर आएंगे. मैं रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक बार आप आए, ये चेक करवाए और यहाँ बंद करवाए ये सारी चीज़ें. आमच्या सिटी न्यूजकडे रहिवासी व्यापाऱ्यांसह अनेक दुकानदारांनी आपली संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. हा रस्ता ब्लॉक झालेला आहे एकदम बिलकुल, म्हणजे गाड्या पार्किंगसाठी आमच्याच गाड्या ठेवायला जागा नाही राहत, इथं येणार जाणार चालू राहतात. त्याच्यानंतर ह्या गाड्या इथं उभ्या राहतात, या गाड्या करायसाठी जागा नाही आहे इथं. रस्ता ब्लॉक झालेला आहे,
आणखी समस्या काय आहे सांगा नाही हे समजा गाडी पार्किंग तिकडे अंदर लाव जा म्हणा तिकडे इथं रस्त्यात लावून राहिले ना गाड्या याचं काम कुठे चालू आहे काम तिकडे चालू आहे द्यायचं कुठे बॅक साईड बॅक साईडला इकडून येणं जाणं इकडून ब्लॉक करून टाकला द्यायना रस्ता ठीक आहे